हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद तनु। आई एम तनु गुप्ता। कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप ये पिंक पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। ये मेकअप आप किसी भी पार्टी या वेडिंग सीजन में अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें मैंने जो पिंक आई मेकअप किया है वो भी मैं आप सबको काफ़ी इजी स्टेप के साथ बताऊंगी, जिसे देखकर आप लोग भी ये पिंक पार्टी मेकअप आराम से कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। सो मेकअप करने से पहले हम अपने फेस को प्रिपेयर करते हैं, इट मीन्स CTM करते हैं। CTM मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। किसी भी मेकअप करने से पहले CTM करना बहुत ज़रूरी है। CTM करने से हमारा मेकअप काफ़ी स्मूथ एंड क्लियर दिखता है। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से क्लीन कर लिया था। अब मैं अपने फेस पर लोटस का टोनर लगा रही हूँ। मैंने लोटस के टोनर को अच्छे से अपने फेस पर सुखा लिया। उसके बाद मैं अपने फेस को लैक्मे के पीस मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मॉइस्चराइजर कर रही हूँ। आप अपने अनुसार कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर सकते हैं जो आपके स्किन पर सूट करता हो। CTM प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद हम 5 मिनट रुकेंगे ताकि हमारा टोनर और मॉइस्चराइजर अच्छे से फेस में ऑब्जर्व हो जाए। फिर 5 मिनट के बाद मैंने अपने फेस पर प्राइमर लगाया है। मैंने यहाँ पे सिस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर लगाया है। ये प्राइमर मुझे बहुत पसंद है। आप अपने अनुसार कोई भी प्राइमर लगा सकते हैं, बट ये प्राइमर स्किन पर काफ़ी नेचुरली शाइन और ग्लो देता है। जैसे कि आप सब देख रहे हो मेरी स्किन, जस्ट वाओ। उसके बाद 5 मिनट रुककर मैंने यहाँ पे मेवलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है, जिसे मैं अपने फेस और नेक पर डॉट डॉट करके लगा रही हूँ। फिर मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप सबको भी बिल्कुल यही डैब डैब प्रोसेस फॉलो करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना होगा, तभी हमारा फाउंडेशन अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होगा और हमारा मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा और बिल्कुल भी क्रेकी नहीं दिखेगा। मैंने एक साइड फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं दूसरे साइड फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। अब हमारा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया। सो अब मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मेवलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द सेड 15। इसे मैं अपने हाईलाइट एरिया में लगाकर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो अगेन डैब 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 एंड ब्लेंड इट। अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए मैबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ इन द सेट 15, ताकि मेरा बेस अच्छे से सेट हो जाए और स्वेट होने पे हमारा मेकअप ख़राब ना हो। फिर मैंने अपने आईब्रो को फिल करने के लिए स्विस ब्यूटी का आईब्रो जेल डिफाइनर लिया है। इसके साथ साथ एक ब्रश भी आता है, जिसके हेल्प से आप अपने आईब्रो को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। पहले ब्रश की हेल्प से हल्की हल्की ब्रो लाइन बनाएं, फिर उसे अच्छे से फिल कर दें। मैं आप सबको बिल्कुल स्टेप वाइज अपने आईब्रो को फिल करके दिखा रही हूँ। पहले हल्की हल्की ब्रो लाइन बनाएं और फिर उसे अच्छे से फिल करें। अब मेरे दोनों आईब्रो अच्छे से डिफाइन हो चुके हैं। अब मैं अपने फेस को स्विस ब्यूटी के 3-in-1 हाइलाइटर ब्लश एंड ब्रॉन्जर पैलेट से हाईलाइट एंड ब्लश कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड अच्छा पैलेट है। इस पैलेट में आप सबको तीनों चीज़ मिल जाता है, हाइलाइटर, ब्लश एंड ब्रॉन्जर भी। ये पैलेट मुझे बहुत पसंद है। अब मैं पिंक कलर के ब्लश को अपने चीक, नोज़ एंड थोड़ा सा चीन पे भी लगाया है, ताकि मैं पूरा पिंकी पिंकी दिख सकूं। अब मैं गोल्डन हाइलाइटर से अपने नोज़, ब्रो लाइन एंड हेड एरिया को अच्छे से हाइलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना आई मेकअप करने के लिए कलर बोर्ड का आई शेडो पैलेट लिया है। मैंने इसमें से पिंक कलर लिया है, जिसे मैं अपने आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। फिर मैं अपने क्रीज एरिया में आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पर अप्लाई किए हुए कलर को आपस में मिलाते हुए ब्लेंड करूँगी।
पहले मैं सी बनाते हुए आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ, फिर इसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग को भी बिल्कुल ऐसे ही अपने आई शेडो को ब्लेंड करना है। फिर मैंने आई शेडो पैलेट में से पिंक सिमरी कलर लिया, जिसे मैं अपने आई लिड के सेंटर एरिया पर अप्लाई करूँगी। हमें एक ही बार में सिमरी कलर को अप्लाई नहीं करना है, बल्कि ब्रश के हेल्प से थोड़ा थोड़ा कलर को अप्लाई करना है। अगर आप एक ही बार में सिमरी कलर को अप्लाई करोगे तो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, बल्कि थोड़े ही देर में उस पर क्रीज बनने लगेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में कलर को लेकर अपने आई लिड पर सेट करना है। आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से अपने दोनों आईज़ को मिलाते हुए कलर को अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारा आई मेकअप दोनों आईज़ में सेम टू सेम लगे। अब मैं अपने आईज़ पर लैक्मे का आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर लगाने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले आईलाइन पर लाइनर लगाएं और फिर आईलाइन के कॉर्नर और ब्रो लाइन के कॉर्नर को मिलाते हुए एक छोटा सा विंग बनाएं। फिर विंग को आई लाइन से मिलाते हुए लाइनर लगा लें। मैंने इसी तरह से अपना दोनों आई लाइनर लगा लिया है। अब मैं मैबलिन के मस्करा से अपने आई लैसेस को डिफाइन कर रही हूँ। मस्करा लगाने से तो आईज़ बड़े प्यारे लगने लगते हैं। पहले मैं अपने दोनों आईज़ के अपर लैसेस पर कर्ल करते हुए मस्करा लगाऊंगी और फिर लोअर लैसेस पर मस्करा लगाऊंगी। अब मैं अपने आईज़ को इन्हांस करने के लिए आईज़ के लोअर लाइन पर सेम पिंक कलर आई शेडो लगा रही हूँ। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का वाइट काजल लगा रही हूँ। क्योंकि ये पिंक पार्टी मेकअप है, तो मैं ये माई ग्लैम का पिंक लिपस्टिक यूज कर रही हूँ इन द शेड पिंक माई बेबी। तो अब मैं अपने मेकअप को हुडा ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से सेट कर लूँगी। सो गाइज, मेरा पिंक पार्टी मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा और आप सबको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।